पटना मेट्रो का काम दिखना शुरू हो जाता है। मेट्रो यहाँ आने से तो सुविधा बहुत तरह के होगा। हम लोग तो देखे ना कि दिल्ली में है तो दिल्ली में आदमी अपना यहाँ से वहाँ कहूँ घूम रहा है। ऊपर में हैवी मशीनरी लगा करके काम किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आपका तो साहब आपके साथ है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग अचानक से हाईवे पे कैसे पहुंच गए, तो एक्चुअल में जहां पर खड़ा हूं ना, ये पटना गया रोड है। यहां पर हमारे पीछे ISBT बस स्टॉप है। यहां से पूरे बिहार के लिए बसें खुलती हैं, बिहार के बाहर के लिए भी बसें खुलती हैं। तो ये जो जगह है ना, ये काफ़ी मायनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर पटना मेट्रो का एंड होने वाला है। जो लास्ट स्टॉपेज होगा वो ISBT होगा। तो आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पटना मेट्रो को जगह जगह से एक्सप्लोर किया, गांधी मैदान के पास, साइंस कॉलेज के पास, राजेंद्र नगर के पास, और उसके बाद मलाही पकड़ी पे भी हम लोगों ने आपको एक्सप्लोर किया। लेकिन ये वाला पार्ट का काम कहाँ तक पहुँचा है ये बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पटना मेट्रो का इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए कि आखिर कहां तक पहुंचा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा यहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आगे आपको दिखाई दे देगा। तो अगर अभी तक भाई को आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चेतक के ऊपर, और अगर कोई गर्मी बोलता है ना शूट करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती यार। ठंड में एक तो आप इतना सारा पहने रहिए, और उसके बाद आपको ये सारा बैग उठा करके वीडियो शूट करने में हालत ख़राब है। ये देखो किधर से निकलते हैं लोग, पता ही नहीं चलता है। तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वो है ISBT पटना, जो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है पटना का, वो सामने है। और यहाँ से बस आपको काम जो है ना वो शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ का रोड थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा आपको, क्योंकि पटना गया रोड जो बन रहा है ना, उसका कंस्ट्रक्शन का काम यहीं से चल रहा है, और आगे से रोड चौड़ा भी हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा पीछे से वीडियो शूट कर रहा था ताकि आपको अच्छे से व्यू मिल सके। तो ये देखो आप, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ISBT पटना, और इसी बस टर्मिनल के जस्ट सामने आपको यहाँ पर पटना मेट्रो का काम दिखना शुरू हो जाता है, और डाइवर्जन दिखने शुरू हो जाते हैं यार। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तब जाकर के हमें एक्चुअल मतलब समझ में आया कि लोगों के लिए मेट्रो इतनी ज़रूरी क्यों है, ख़ास करके पटना में। एक तो पहले से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, और उस पर से जो लोग वहाँ पर बता रहे हैं ना, वो सुन करके भाई रूह कांप जाती है, क्योंकि शायद ये वाला जो पॉइंट है ये उन सभी लोगों को रिलेट कर रहा होगा जो लोग पटना जंक्शन से स्पेशली आते हैं ISBT यानी कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल बस पकड़ने के लिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ISBT पर, यानी कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। मतलब कितना दिन से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काम होते हुए? करीब हो गया साल भर। साल भर में काम का रफ्तार क्या लग रहा है? सही है। रफ्तार सही है ना? आप लोग बताइए भैया। हाँ सही है, रफ्तार बड़ी बढ़िया है। हाँ अच्छा, मेट्रो बन जाने के बाद कितना फायदा होगा? बहुत बढ़िया है, बहुत जाम तो जाम में खत्म हो जाएगा, पैसेंजर यहाँ आने लगेगा। हाँ 10-20 रुपए स्टेशन से यहाँ चलाएगा, 50 रुपए लेता है, 60-60 रुपए लेता है स्टेशन के। अच्छा आप लोग बस वाले हैं ना? मतलब कि जैसे पटना जंक्शन से इसकी कनेक्टिविटी जब हो जाएगी या ISBT तक पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक, तो उससे होगा क्या कि जो लोग भी आने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी? जाम से बहुत ज्यादा लगता है। हाँ क्या बोल रहे भैया? देखिए ये स्टैंड बना ना, ये स्टैंड बना सही में, लेकिन पैसेंजर को यहाँ आने में दिक्कत है। अच्छा अच्छा, बहुत दिक्कत है। ये बात पैसेंजर बोलता है कि ये बात आप लोग बोलते हैं? पैसेंजर क्या, पैसेंजर हमसे जुड़ा हुआ है, तो पैसेंजर हम में क्या फर्क है? सही बात, एक दूसरे के पूरक है। लेकिन जब मेट्रो तो बन जाएगा, समस्या है पैसेंजर के साथ, उसको तो हम समझ रहे हैं ना। सही बात है, यहाँ पैसेंजर नहीं आ रहा, उसका रीजन क्या है? सौ रुपया देगा दानापुर से, 500 रुपया ऑटो वाला लेगा। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मेट्रो आखिर कितनी ज्यादा जरूरी है। के बाद बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिल जाएगी बस वालों को भी और पैसेंजर को भी, सबको, आम जनता को राहत मिलेगा, बस वाला को राहत मिलेगा। ये बोलना चाहूंगा कि मेट्रो बनना है ना, तो मेट्रो स्टेशन यही होना चाहिए। बिल्कुल यही होगा। हाँ तो पैसेंजर को है ना 100% फुल सुविधा मिल जाएगी। हाँ। और इतना जितना आप ट्रैफिक और रश देखते हैं उससे हम लोग को बहुत अच्छे से निजात पा जाएंगे। सही बात है। तो बिल्कुल लोगों का भी यही कहना है कि बस स्टॉप के जस्ट सामने या फिर इसके बगल में ही मेट्रो स्टेशन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो आखिरी मेट्रो स्टेशन होगा वो ISBT ही होने वाला है। मेट्रो यहाँ आने से तो सुविधा बहुत तरह का होगा, आम जनता को भी, पैसेंजर को भी सुविधा आ जाएगी आने जाने के लिए। काहे लजा रहे हैं, बोलिए ना। सब जनता को आने जाने में, पैसेंजर को सुविधा होगा,
ऑटो के कारण है, मतलब मेट्रो जरूरी है। हाँ मेट्रो जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। मेट्रो रहेगा तो बहुत हम लोग के भी है बहुत सुविधा होते रहेगा। हम लोग तो देखे ना है कि दिल्ली में है तो दिल्ली में आदमी अपना यहाँ से वहाँ कहूँ घूम रहे हैं, कहूँ आ रहे हैं, कहूँ जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ यहाँ का तो भाई है पूरा ये जहाँ से पैसेंजर है। सही बात, क्या बोल रहे थे भैया? रास्ते में पैसेंजर जो है मेट्रो अथी ऑटो वाले लोग रास्ते में छोड़ दे रहे हैं 2 किलोमीटर पीछे, खाली जाम के चलते नहीं लाते हैं कि जाम में फंस जाएंगे। उसके तार लचारी बहुत पलचारी है। और ऑटो वाले जहाँ 70 रुपया 60 रुपये सरकार बना है वहाँ 100-150 रुपये किराया ले रहे हैं। लोग ऐसे ही फीडबैक है ना कि जो लोग बहुत कम पैसे में यहाँ पहुँच सकते हैं उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो भैया सुन लिया ना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, अभी हम लोग चलते हैं और आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद जो असल काम है वो आपको दिखाई देने वाला है और कहाँ से कहाँ तक बना है और क्या चल रहा है अभी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली है इस वीडियो में। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आप जो ड्रोन शॉट में देख रहे हैं ना वो यही है, ये वाला सामने डाइवर्जन मेट्रो स्टेशन का। देखिए यहाँ से पूरा का पूरा पिलर, जहाँ तक देखिएगा आपको पिलर ही पिलर दिखाई देने वाले। और ये जो रश होता है ना, ये इसी रश के बारे में वो सारे बस वाले लोग और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग बात कर रहे थे। इतना ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाता है ना कि ऑटो वाले बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं, तो इसलिए ये पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत सारे पिलर तो आगे ढाले जा चुके हैं, बस वियर कैप नहीं लगाया गया अभी। लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत सारे पिलर जो हैं वो अभी भी बन रहे हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कि ये पिलर बन रहा है यहाँ पे, इसका काम हो रहा है अभी, सरिया और ये बांधा जा रहा है और बहुत ही जल्द ये बन जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग जो मेरा वहाँ पे जिन लोगों से बातचीत हो रही थी ना, उन लोग भी यही कह रहे थे कि मेट्रो स्टेशन बहुत जल्द बन रहा है, क्योंकि उन लोग जिस तरह से काम की स्पीड देख रहे हैं, रफ्तार देख रहे हैं ना, इससे ये बात साबित होती है कि इसमें अब ज़्यादा देर नहीं होने वाली है। ऊपर में हैवी हैवी मशीनरी लगा करके काम किया जा रहा है। और पटना में जो मेट्रो स्टेशन होंगे ना, ये जो ISBT होगा ये सब जगह से कनेक्ट हो जाएगा। जो लोग भी पटना जंक्शन आएंगे ट्रेन से, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हों, उनको बस पकड़ना है। और सपोज उनको मुंगेर जाना है तो मुंगेर के लिए बस मिलेगी ISBT से, क्योंकि मीठापुर वाला बस स्टॉप तो पूरा का पूरा हटा ही दिया गया है। तो इसलिए क्या है कि आपको आना तो यहीं पर है, तो यहाँ पर आने के लिए जो ऑटो का भाड़ा लग रहा है ना जान मारने वाला, वो भाड़ा कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा। ये जिस जगह पर मैं हूँ अभी, ये एकदम हब है। हब इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक फ्लाईओवर है, जो कि आप वो पकड़ के आप उस साइड चले जाओगे, ये वाला फ्लाईओवर पकड़ के आप उस साइड चले जाओगे और उधर आप देखोगे ना 0 माइल के पास बहुत ही ज़्यादा काम हुआ पड़ा है। यहाँ से आपको आपको ड्रोन शॉट में दिख रहा होगा कि ये सारा का सारा पिलर यहाँ से बन करके तैयार है और काफ़ी आगे तक बना हुआ है। तो ये वाला मेन हब होगा और इसी हब से सारा कुछ कनेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा लगता है। आप लोगों ने देख लिया ना कि एक्चुअल में क्या हाल है अभी पटना मेट्रो का। कहा यह जा रहा है कि 2024 के लास्ट तक आप पटना मेट्रो में बैठ करके उसके अनाउंसमेंट सुनेंगे। आई होप कि ऐसा ही हो। काम बहुत ही स्पीड से चल रहा है, या हम गांधी मैदान की बात कर लें, या फिर राजेंद्र नगर स्टेडियम की बात कर लें, या फिर हम पटना साइंस कॉलेज की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग सगुना मोड़ की बात करें, पूरे पटना में किसी भी जगह पर आपको दिख सकता है पटना मेट्रो का बोर्ड, यही हकीकत है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।